रोकेगी बहन, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अम्मा प्लीज, अम्मा ना। क्यों किया सब? बोल क्यों किया? रोकेगी बहन, क्यों किया? करेगी चकला मेरी, मैं तुझे कह रही हूँ जल्दी जा, बात नहीं आएगी तो बस रे, जल्दी जा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अम्मा प्लीज, अम्मा मर जाएगी, बस कर दे अम्मा। अम्मा बस कर देना। क्यों किया? क्यों भागी घर से? बस कर दे। बेशर्म, बेशर्म घर से तो समझा दो इसे कि आइंदा ऐसी हरकत मत करे, मैं जान से मार दूंगी। क्या हुआ अम्मा? अभी भी ज्यादा ब्लड प्रेशर। आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं? ये निडर लड़की, किसी चीज का खौफ नहीं है उसकी निगाह में। अम्मा जो भी है तो आप ही की नवासी ना। अब मेरा और खून मत खौलाओ, समझे? वैसे आज ना नीलम की रूह तड़प रही होगी, जितना आज आपने उसे मारा ना। क्या करूं? सर पे चढ़ा लो, घर से भाग जाने दूं? सर पे ना चढ़ाएं अम्मा, लेकिन आज मैंने एक बात नोट की है। क्या अम्मा? वो सख्ती से नहीं मानेगी। तो लाड लड़ाने से तुम्हें रही? हाँ तो मत लाड लड़ाएं उसके, लेकिन उसका अभी दिल हवेली में लगने तो दे। क्या मतलब? अम्मा जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इधर आए, मैं आपको बताऊं। भाई किसी वक्त बात तो तुम बड़े पते की बताते हो। आपका बेटा जो हुआ ये तो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बाबा जान से मिल सकता हूँ? दरवाजे किसने खोले? जी वो उमेश जी, मैंने खोला था जी। बाबा जान जाग रहे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रुको, देखती हूँ मैं। आया ही ना बेटा, आया आप, आई शाबाश। अच्छा अच्छा, पापा जान शाफिन आया। बुलाओ उसे, अंदर बुलाओ। आ जाओ शाफिन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है बाप? जिंदा हूँ जब तक दिखी है। देखें आप ऐसी बातें मत किया करें प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये सब सुनना। शफिन बेटा, जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गया हूँ। क्या मतलब? ईशल मुझे इस उम्र के हिस्से में छोड़कर चली गई। ईशल चली गई? मगर कहाँ पे? सबको बताए बगैर कि चली गई। देखें आप परेशान मत हो, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। ईशल बहुत समझदार है, वो वापस आ जाएंगी। अल्लाह करे। लेकिन यार ईशल अच्छी तरह जानती है कि मैं उसके लिए कितना परेशान हूं। उसे कम से कम सोचना तो चाहिए था ना। देखें लेकिन हो सकता है कि उनके इस सफर से वो काम हो जाए जो आप करना चाहते हैं। शाफिन बेटे क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं ना कि वो हमारे कल्चर को अपना ले, पाकिस्तान से मोहब्बत करे, तो क्या पता ये मुमकिन हो जाए। हाँ ये तो है। देखें हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वो आपको मुझ पे एतमाद है ना? बेटा तू ही तो है जिस पर मैं एतबार कर सकता। तो बाबा जान मेरी बात पे यकीन करें, ईशल जहां भी होंगी वो बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह करे। लेकिन शाफिन ईशल जहां भी है, जो कुछ भी कर रही है, उसे अपने बाबा को बताना तो चाहिए था ना। देखिए बाबा जान, ये भी तो हो सकता है कि वो ये चाहती हों कि वो सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करें और कुछ नहीं। जी शाफिन, अब तो उसके वकील बन गए, मेरी परेशानी किसको समझ नहीं आ रही। देखिए मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझता। मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे।